को लेकर काफी बातें हो रही है। एक तरफ तो हो रही है कि ठीक है, एक अच्छे कॉर्पोरेट की उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पर साबित की है और अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए कदम उठाए। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अपने इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स का नुकसान कर दिया, क्योंकि 2000 से 25 करोड़ की मार्केट कैप आज के फॉल में साफ हो गई। अब आप इस कदम को कैसे देखते हैं, पहली चीज? दूसरा ये कि जो इम्पैक्ट आज दिखा है स्टॉक पर, क्या वो यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है या फिर आज की कमजोरी खरीदारी का मौका है? क्या सलाह आपने अपने क्लाइंट्स को दी है? दो चीजें पहली जी, आई थिंक जो एचडीएफसी एएमसी के मैनेजमेंट ने मूव की है, क्लियरली आई थिंक फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। तो आई थिंक जो एफएमपी होल्डर्स हैं, आई थिंक जो 1 अप्रैल को रोल ओवर अनाउंस किया था, कहीं ना कहीं आई थिंक एज द मेच्योरिटी इज नियरिंग, आई थिंक एक बहुत लॉजिकल स्टेप था टू रीपे देयर एफएमपी होल्डर्स। अभी कहीं ना कहीं आई थिंक जो इक्विटी और डेट वैल्यू रहती है, आई थिंक इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो प्रॉब्ली पार्टेक अ काइंड ऑफ रिस्क, इसके लिए जो रिस्क एडजस्टेड प्रीमियम ये एंजॉय करते हैं, ये शायद इक्विटी मार्केट्स थ्रू दर्शाया जाता है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक विद दिस न्यूज कमिंग थ्रू और जो प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट की थी एचडीएफसी एएमसी ने 930 करोड़, आई थिंक देयर वाज सम अमाउंट ऑफ एप्रीहेंशन, क्योंकि अगर आप 500 करोड़ प्रोवाइड करते हैं और काफी इफ्स एंड बट्स है, अगर ये पैसे वापस नहीं आते हैं तो यू आर ईटिंग इनटू हाफ ऑफ योर एनुअल प्रॉफिट्स जो पिछले वित्त वर्ष में आपने रिपोर्ट किया था। दूसरी चीज, आई थिंक इफ द डील डज गो थ्रू, और जैसे आई थिंक एसएल ग्रुप की मैनेजमेंट बार बार कह रही है, दे प्रॉब्ली एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट जहां पे आई थिंक ये डील जा सकती है, एंड इफ दिस डील प्रॉब्ली कम्स थ्रू, आई थिंक जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आ सकता है वंस इट गोज थ्रू, आई थिंक दैट कैन एलिविएट द नर्व्स। तो आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स एसोसिएटेड है स्टॉक के साथ, पर जो निवेशकों के पास ये स्टॉक है, मुझे लगता है आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम होल्ड करना चाहिए, बट बिल्कुल सारे के सारे डेवलपमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। अगले हफ्तों में, कुछ हफ्तों में अगर स्टेक सेल होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिवर्सल होगी एंट्री बुक्स पे, एंड दैट शुड प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ रिलीफ टू द इन्वेस्टर्स ऑफ एचडीएफसी एएमसी एज़ वेल। बिल्कुल, आगे किस तरीके का रेजोल्यूशन एसएल ग्रुप कंपनीज का निकलता है उस पर बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि 1150-1150 करोड़ का एक्सपोजर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का है एसएल ग्रुप कंपनीज में। स्टॉक 6.25% लुढ़का, लेकिन हाँ शायद होल्ड रख सकते हैं, दिक्कतें बनी रह सकते हैं। इसके अलावा आज के सेशन में दो स्टॉक्स कंजम्पशन से जुड़े हुए, एक तो एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि 3.5% बढ़कर बंद हुआ, और दूसरा था डाबर जो कि 3.5% ही गिरकर क्लोज हुआ। और ये आज जो इम्पैक्ट दिखा वो सीधा सीधा इम्पैक्ट था गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट का, जो कि कंजम्पशन पर बहुत पॉजिटिव नहीं है। चुनिंदा स्टॉक्स उनको पसंद है जैसे कि डीमार्ट और दूसरा डाबर, इस स्टॉक से उन्होंने एग्जिट लेने की सलाह दी है। डाबर पर इनफैक्ट अपनी राय दीजिए, एफएमसीजी तो एक डार्लिंग सेक्टर रहा है पिछले वित्त वर्ष का मयूरेश, और डाबर को लेकर गोल्डमैन सैक्स थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है, बोल रहा है कि रूरल मार्केट से डिमांड कमजोर रह सकती है, इसलिए बेचने की बात कर रहा है। आपकी सलाह क्या है ओवरऑल एफएमसीजी पर और डाबर पर? ओवरऑल पैक के लिए दीपाली जी, मेरी राय में आई थिंक दो तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण रहती है। पहली चीज, आई थिंक जो रूरल स्लोडाउन हम विटनेस कर रहे हैं, क्लियरली आई थिंक जो क्वार्टर फोर के नतीजे थे वो वॉल्यूम ग्रोथ से आई थिंक साफ हुए थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ था आई थिंक प्रोपोर्शन में बड़ी नहीं थी, क्लियरली दर्शाती है कि रूरल स्लोडाउन इज देयर फॉर द टेकिंग। दूसरा, आई थिंक जो रेन्स का डिले हुआ है, जो मानसून डिले हुआ है, आई थिंक एज इट कैचेज अप और जैसे हार्वेस्टिंग में डिले हुए हैं, एज एंड वेन दैट हैपन्स आई थिंक जो एक रीएडजस्टमेंट होगी, और एक्सपेक्टेशन यही है अगर मानसून लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे रहते हैं तो आई थिंक खरीफ प्रोडक्शन कैन प्रॉब्ली बी एट इट्स पीक, जिसकी वजह से आई थिंक सेकेंड हाफ में रियलाइजेशन ग्रोथ स्पेसिफिकली रूरल इंडिया को आई थिंक बहुत सपोर्ट दे सकता है। तीसरा, एफएमसीजी कंपनीज के लिए आई थिंक रूरल ग्रोथ काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि रूरल ग्रोथ हैज आउटपेस्ड अर्बन ग्रोथ पिछले कई क्वार्टर और वर्षों से, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है कि अगर मॉनसून लॉन्ग पीरियड एवरेजेस के साथ रहे हैं तो सेकंड हाफ विल बी रिलेटिवली बेटर। दूसरा, आई थिंक इनकी जो डायरेक्ट रीच प्लान्स हैं, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सेटअप कर रही हैं, छोटे छोटे एसकेयूज बना के अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स पे चीज़ें बेच रही हैं, वॉल्यूम ग्रोथ को डेफिनेट सपोर्ट करेगा। इसलिए लंबे अरसे से आई थिंक एफएमसीजी स्टोरी की जो एक महत्वपूर्ण एक आकांक्षा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दैट विल वेरी वेल कंटिन्यू। अभी व्हाट टू प्ले इन दिस, मुझे लगता है डाबर स्वीटली प्लेस्ड है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स फॉर द एंटायर सेक्टर हैव बीन अ लिटिल बिट सॉफ्ट। शायद ये सॉफ्टनेस बरकरार रहे अगले एक क्वार्टर तक, बट सेकंड हाफ में इफ ऑल दीज फैक्टर्स टर्न पॉजिटिव, और जैसे मोदी सरकार की आई थिंक एक मुहिम भी है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आई थिंक दैट शुड ऑल्सो स्टार्ट एडिंग द ओवरऑल सेंटिमेंट्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ। तो अगर डिक्लाइंस पे डाबर मिलता है तो मेरी राय में आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली एस्टिमेट करना चाहिए। एफएमसीजी स्ट्रक्चर के वैल्यूएशंस ऑलवेज हायर प्रीमियम्स पे ट्रेड करते थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इफ दी स्टॉक्स करेक्ट, आई थिंक लॉन्ग पीरियड
स्टैगर्ड और एवरेजेस भी आई थिंक करेक्ट होते हैं, जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट और एंट्री पॉइंट होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए. तो एक स्टैगर्ड वे में छोटी छोटी क्वांटिटी में अगले कुछ हफ्तों में अगर अपडेट किया जाए तो सही रणनीति होगी एफएमसीजी क्षेत्र. ठीक है, सेकंड हाफ बेहतर रह सकता है डाबर जैसी कंपनियों के लिए. यहां से और नीचे मिले अगले एक हफ्ते के दौरान तो धीरे धीरे आप खरीद जरूर सकते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक है. लेकिन एक स्टॉक जो जहां पर आज रेड अलर्ट रहा दिन भर वो था जेट एयरवेज का, जहां पर लेंडर्स ने मामला एनसीएलटी में ले जाने का फैसला किया है और एयरलाइन के दिवालिया होने की कार्रवाई इसी हफ्ते शुरू हो सकती है. लेंडर्स के इस फैसले से शेयर रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गया है. वहीं जेट एयरवेज से दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी आज इस्तीफा दिया है. लेकिन जेट के पास होने की वजह क्या रही ये पूरी डिटेल बताने के लिए हेमंत गई हमारे साथ मौजूद है. हेमंत बताइए जरा, जेट में जो जोरदार गिरावट का दिन आज रहा, अब कंपनी के लिए आगे कोई राहत की उम्मीद दिख रही है या फिर नहीं? जी, आखिर जिस बात का डर था देखिए वो हो ही गया. जेट के रिवाइवल की कोई भी उम्मीद नहीं बची बैंकर्स के पास, और बैंकर्स ने कल ये सोचा कि क्यों ना इसको आईबीसी के तहत इसका रेजोल्यूशन किया जाए. सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि बैंकर्स ने आस छोड़ दी कि कोई भी नया खरीदार दरअसल जेट के लिए आएगा. और आपको याद होगा 17 अप्रैल को इस एयरलाइन को ग्राउंड कर दिया गया था और उसके बाद तलाश थी कोई नए खरीदार की. और अब बैंकर्स ये कह रहे हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनके हाथ में केवल एक बोली आई और वो भी कंडीशनल बोली थी, जो कहती थी कि हम खरीदेंगे तो शेयर लेकिन ओपन ऑफर से सेबी को छूट देनी होगी. और हिंदुजाज ने भी देखिए कोशिश करी, ऐसी खबरें आ रही थी लेकिन ठोस प्रपोजल बैंकर्स के हाथ में था नहीं. और देखिए जैसे ही ये खबर आई आज सुबह सवेरे इस स्टॉक में 10% का पहले लोअर सर्किट लगा हाइफ एन ओ में होने के बावजूद, और उसके बाद जैसे ही वो लोअर सर्किट खुला तेजी से ये शेयर गिरा और 40% तक की गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली इस स्टॉक में. तो आज का सबसे बड़ा अगर लूजर कोई बना एफ एन ओ में और कैश मार्केट में तो वो जेट एयरवेज का स्टॉक था. और ये महीना देखिए इस शेयर के लिए काफ़ी ख़राब रहा. महीने की शुरुआत में 140 रुपये के आसपास का ये शेयर था, लेकिन ख़राब खबरों का सिलसिला लगातार स्टॉक के साथ बना रहा. पहले तो खबर ये आई कि ये अगले हफ्ते से एफ एन ओ में नहीं रहेगा, और उसके बाद खबर ये आई कि एफ एन ओ से निकलते ही ये शेयर ट्रेड टू ट्रेड में पहुंच जाएगा, यानी पूरे पैसे देकर आपको डिलीवरी लेनी होगी. तो आज ज़्यादातर लोगों ने इस शेयर से एग्जिट करने की सोची, और इंट्राडे में हमने देखा कि इस शेयर ने 40 रुपये तक के स्तर भी छुए और कैश मार्केट में तो 20 रुपए तक का स्तर भी इस स्टॉक में देखने को मिला. तो आज का दिन जेट एयरवेज के लिए काफ़ी भारी था. अब देखना होगा कि आईबीसी के तहत जेट एयरवेज का रेजोल्यूशन किस तरह से हो पाता है. जेट एयरवेज आज वापस लुढ़का, स्टॉक 40 रुपए पर ये बंद हुआ है. मयूरेश, जेट एयरवेज पर तो सबकी राय सेम है, लेकिन आप राय दीजिए उन सरकारी बैंकों पर जिनका एक्सपोजर है, बड़ा एक्सपोजर है, एसबीआई.